इंटीग्रेशन। ओके, देखो इंटीग्रेशन के अंदर हम क्यों कर रहे थे डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन से पहले मैंने कुछ बताने की कोशिश की थी फर्स्ट लेक्चर में, बट आपको ऊपर ऊपर से समझ में आया। सेकेंड लेक्चर में जब हमने कैलकुलस किया मींस डिफरेंशिएशन की, और जब मैंने वेलोसिटी और एक्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएशन को लगा के बताया, तब आपको थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हुआ कि हम वेलोसिटीज कैसे निकालते हैं विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक्चुअल में हो क्या रहा था अभी तक डिफरेंशिएशन के अंदर, हमें क्या पता होता था टोटल चेंज, हमें पता था कि मान लो x का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट हमें पता था 10 मीटर, तो टोटल चेंज हमें पता था।